प्यार नहीं हुआ जी, इतने तो रजिस्ट्री नाम कराती। बनकर माझी, माझी मतलब खेवट। देखो राम कितने दयालु हैं। सुदामा पता है कौन था? खेवट। सुदामा क्यों यार बना कन्हैया का? जिस समय प्रभु राम 14 बरस के वनवास के लिए जा रहे थे, सारी दुनिया रोक रही थी उन्हें, मगर एक आदमी था जो उन्हें छोड़कर आ रहा था, खेवट। राम की दयालुता देखो। खेवट बोला, प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं आऊंगा। राम बोले क्यों? बोले प्रभु, जगत का मालिक जिसको सारी दुनिया रोक रही है, ये पाप मैं अपने सर पे नहीं ले सकता कि आपको अयोध्या के पार गंगा छोड़कर आ जाऊं। मुझ पे दुनिया थुकेगी साहब, मैं नहीं छोड़कर आऊंगा, क्षमा कीजिए। तब राम बोले, बेटा तुझे मेहनताना मिलेगा। खेवट पांव में लंबा लेट गया। प्रभु बस करो, क्यों जूते मारते हो? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे मेहनताना कब मिलेगा, या राजा हो आपसे मांग नहीं सकता। आप हमारी अयोध्या के मालिक हो साहब, 3 लोक के राजा हो, इन दुनिया की आंखों में आंसू देखो आपके लिए, मैं ये पाप कैसे कमा लूं साहब? मेरे पर दुनिया थुकेगी, आप तो चले जाओगे, लेकिन दुनिया मेरे पर ताना देगी कि तू राम को छोड़कर आया था। मैं एक शर्त पे छोड़कर आऊंगा कि कुछ ऐसा कर दो, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा कर दो कि मुझ पर दुनिया ना थूके। तब राम जी ने खेवट को वरदान दिया कि खेवट जा, तू अगले जन्म में मेरा यार सुदामा बनकर आएगा और दुनिया हमारी यारी की लोग दांत देंगे, तुझ पर कभी थूका नहीं जाएगा। ऐसे दयालु है मेरे राम। आइए आज उनसे एक चीज मांगिए, बनकर माझी। आज हम खेवट नहीं, टुडे यू आर माय खेवट। बनकर माझी जीवन नैया, प्रभु तुमको पार लगानी है। ये बच्चे हंसते हैं ना, तभी परिवार है। जिनके परिवारों में बच्चे हंसते हैं, समझ लेना लक्ष्मी जी 12 महीने 24 घंटे आपके घर में घूमती है। 2 रोटी कम खा लेना, मगर ये हंस रहे हैं तो समझ लेना चिंता के विषय नहीं, सब फिट है, टेंशन नहीं लेनी। बनकर माझी जीवन नैया, प्रभु तुमको पार लगानी है। तेरे दर पर हाथ पसार खड़ा मैं याचक, याचक मतलब भिखारी, याचनाएं करने वाला, बोलने वाला, मांगने वाला, कहने वाला, सुनाने वाला। तेरे दर पर हाथ पसार खड़ा मैं याचक और तू दानी है। बनकर माझी जीवन नैया, प्रभु तुमको पार लगानी है। आइए आज की अंतिम रचना है, बड़े प्रेम से। दोनों हाथ उठा के प्रेम से उसको खेवट बनाना है। बनकर माझी
जीवन नैया प्रभु तुमको पार लगानी है। अरे माजी जीवन नैया प्रभु तुमको पार लगानी है। अरे माजी जीवन नैया प्रभु तुमको पार लगानी है। तेरे दर पर हाथ पसार खड़ा, तेरे दर पे हाथ पसार खड़ा, तेरे दर पे हाथ पसार खड़ा। मैं याचक और तू दानी है, दर पर हाथ पसार खड़ा। मैं याचक और तू दानी है। आज दुकान पे पोछा लगाने वाला भी बालाजी को मानता है, जहाज उड़ाने वाला भी बालाजी को मानता है, रेडी रिक्शा चलाने वाला भी बालाजी को मानता है, हर वर्ग मानता है। क्यों? हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है। क्यों? क्योंकि बालाजी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। इसके दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है, और ये नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन काला। तो उठाओ जरा दरबार और कह दो जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। मैं जब भी शायद कोई बात आपकी जुबान ना कह पाए, वो आपकी तालियां कह दे। क्यों? मैं जब भी दर पर आया हूं कुछ तुमसे कह नहीं पाया हूं। जब भी दर पर आया हूं कुछ तुमसे कह नहीं पाया हूं। धक्का लगा, लाइन में लगे हुए थे या फिर आगे गार्ड ने खींच दिया, चल बराबर, सिर्फ देख पाया कह नहीं पाया। मैं जब भी ये समझना, आज लुधियाना में हरगोविंद नगर में नहीं बैठे, आज मेहंदीपुर के लाइन में लगे हुए साहब, और बाबा खड़ा देख लो, ओ बाबा। मैं जब भी दर पर आया हूं कुछ तुमसे कह नहीं पाया हूं। क्योंकि मन में था तो सब जानता है, हिम्मत ना हुई। एक कारण और भी है, शर्म आने लग गई, शर्म आने लग गई कि कब तक मांगता रहूंगा तुझसे। एक मांग पूरी हुई, दूजी तैयार कर ली, दूसरी झोली भरी मैंने, तीसरी तैयार कर ली। सोचता हूं आज 3 अप्रैल को लुधियाना हरगोविंद नगर में क्या मांग लूं। आज तेरे भक्तों के साथ मैं तुझसे तुझको ही मांग लूं। मैं जब भी दर पर आया हूं कुछ तुमसे कह नहीं पाया हूं। हिम्मत ना हुई, हिम्मत ना हुई, हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। फितरत मेरी शर्मानी है, हिम्मत ना हुई कुछ कहने की, फितरत मेरी शर्मा। मगर आज आज खुला ऑफर है, समर सेल लगी है, 95% डिस्काउंट। ताली आपकी, झोली भरने की गारंटी बालाजी की, दोनों हाथ खोल के। ओपन करमा जी जीवन नैया प्रभु तुमको पार लगानी है। करमा जी जीवन नैया प्रभु तुमको पार लगानी है। बिल्कुल मीठा बजाना,
ये बात वो है जो हर कीर्तन में नहीं होती। दुनिया की रीत रिवाजों से मैं हार गया, मैं हार गया। कई बार हमसे सामने वाला ऐसे ऐसे सवाल कर लेता है कि हमारा दिल टूट जाता है। हम भी तो इंसान है साहब, सुबह शाम भागते हैं, जाकर आप नाम जपते हैं, फिर अगली फ्लाइट, फिर नाम जपे, फिर अगली फ्लाइट। सामने वाला एक मिनट में हमारी बैलेंस शीट निकाल के दे देता, किसने हक दिया उसे? तब भी कहता है दुनिया की रीत रिवाजों से मैं हार गया, मैं हार गया। अपने हारे इस बंदे को, अपने हारे इस बंदे को तुमने ही जीत दिलानी है। अपने हारे इस बंदे को तुमने ही जीत दिलानी है। तेरे दर पर हाथ पसार खड़ा, तेरे दर पर हाथ पसार खड़ा, मैं याचक और तू दानी है। बट परमा जी जीवन नैया, प्रभु तुमको पार लगानी है। बट परमा जी जीवन नैया, प्रभु तुमको पार लगानी है। कई सोच रहे हैं ए मुंडा तो खड़े होके गांधा सीगा, अज इनू की हो गया, एदी तबीयत खराब लगती है, ए बह के गा रहे हैं। कई सोच रहे सी तो इन सुनना आए सी। साहब जब भी दरबार में आते हैं तबीयत खराब ही होती है, क्योंकि हम उसके मर्ज के मारे हुए हैं। और बीमार आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा साहब? और हमें अगर आपने बीमार घोषित कर दिया तो इससे बड़ी तो जीत हमारी कोई यही नहीं सी। क्यों? हम सब की कहानी। मैंने एक घरोंधा, घरोंधा मतलब परिवार, घर मकान। मैंने एक घरोंधा बालाजी तिनके चुन चुन बनवाया है। मैंने याद करो अपने 20 साल पुराने दिन को, क्या करते थे उस समय और आज क्या करते हो। अपने चेहरे को देखना आज जाकर आईने में कि मैं 20 साल पहले कैसा लगता था और आज कैसा लगता हूं। आईना शायद झूठ भी बोल दे मगर आपका दिल गवाही देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा कि बेटा माना तेरे चेहरे में थोड़ी सी कमी है मगर बाहर निकल कर देख तेरी इज्जत में कितने चार चांद बालाजी महाराज ने लगा रखे। सा मैंने एक घरोंधा बालाजी तिनके चुन चुन बनवाया है। मैंने एक घरोंधा बालाजी मुल्लापुर वाला मेरे घर की, कोई और नहीं, मेरे घर की इस इज्जत को, मेरे घर की इस इज्जत को। आप सब कुछ मांगते हो दरबार से, इज्जत मांगी मगर उसकी सलामती नहीं मांगी, धन मांगा मगर उसका ठहराव नहीं मांगा, भक्ति मांगी उसका ठहराव नहीं मांगा, गाड़ी मांगी उसकी स्पीड नहीं मांगी, व्यापार मांगा उसकी लिमिट नहीं मांगी, कलेश मांगा तो उसकी लिमिट नहीं, सुख मांगा तो उसकी लिमिट नहीं मांगी। लेकिन आज मांगेंगे
मैंने एक करोदा बालाजी तिनके चुन 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 तिनके चुन चुन बनवाया है मैंने एक करोदा बालाजी तिनके चुन चुन बनवाया है मेरी इस इज्जत को बाबा मेरी इस इज्जत बोलो एक बार मेरी इस इज्जत को बाबा मेरी इस इज्जत तुमने ही बस बचानी है मेरी इस इज्जत को बाबा तुमने ही बस बचानी है और सबसे बड़ी बात हम इतने अभिमान से क्यों बोलते हैं कि हमारा काम हो जाएगा क्यों तू समरथ में कमजोर प्रभु तू समरथ में कमजोर बोलो तू समरथ में कमजोर प्रभु आज जब जोत लेने लगे तो जो मेरे साथ लोग खड़े थे हिम्मत हार गए थे बोले आज जोत नहीं आएगी आधे घंटे में जोत आई मगर यह भरोसा था कि जोत आएगी और आधे घंटे बाद यह वीडियो जो आज बनाई है यह मुझे भी भेजना मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जब भरोसा पक्का होता है तो प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है साथ तू समरथ में कमजोर प्रभु तू तू समरथ में कमजोर प्रभु तू समरथ में कमजोर प्रभु तेरे जोर पे मैं इतराता हूं बोलिए तू समरथ में कमजोर प्रभु तेरे जोर पे मैं नंदू विश्वास बड़ा साचा नंदू विश्वास बड़ा सा थोड़ा नहीं बड़ा साचा सांचों पर आंच ना आनी है ये भरोसा है कीर्तन में ये भरोसा है साहब आजकल वो बात बोलने की नहीं रही तेरी मूर्ति नहीं बोल दी बुलाया लखबार आके दसो सानू केड़ी नहीं बोल दी मूर्ति है बोलती हमें बुलाना नहीं आता तू समरथ में कमजोर प्रभु तेरे जोर पे मैं इतराता हूं ऐसे थोड़ी ना किसी को बोल के आ जाते हैं देख लांगे तेनु ऐसे नहीं बोलते पता है नाल कोठे वाला खड़ा तू समरथ में कमजोर प्रभु तेरे जोर पे मैं इतराता हूं नंदू विश्वास बड़ा साचा नंदू विश्वास अरे 3 मार्च को बारिश आई तो क्या 3 अप्रैल को नहीं आनी थी कर लेते भरोसा ऐसे तो कीर्तन ही नहीं होगा साहब अगर बैठ के सोचने बैठ गए कि हां विश्वास आंधियों में मैं नाव चलाता हूं इसलिए बालाजी का बेटा कहलाता हूं बच्चे की पहचान बाप से होती है और अगर बालाजी में दम है तो बच्चे में थोड़ा सा तो होगा साहब थोड़ा सा तो होगा एक बात सुनाता हूं आपको विश्वास की हमारे पंजाब में पीर साहब होते हैं पीर साहब से भी ऊपर होते हैं वली साहब डायरेक्ट होते हैं पीर साहब को तो फिर भी टाइम लगता है वली साहब को टाइम नहीं लगता बात करते हुए एक बांझ गई वली साहब पूछ के बताओ क्या मेरे औलाद होगी
वली साहब ने परमात्मा से पूछा, परमात्मा ने मना कर दिया। वो निराश होकर वापस जाने लगे। रास्ते में उसको बालाजी का भगत मिल गया। उसके पास इतना ही पानी था भगत के पास, या तो वो खुद पी लेता या उस मां को पिला देता। भगत बोला, मां तू क्यों परेशान है? बोली, मैं वली साहब के पास गई थी, पूछ के बताओ मेरे औलाद होगी कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया। भगत बोला, मुझे प्यास लगी, मां के पास जो पानी था उस भगत को पिला दिया। भगत ने आशीष दी कि जा मां, एक साल बाद तेरे बेटा होगा। और वो मां बेटा लेके वली साहब के पास चली गई। वली, वली साहब ये दुकानदारी बंद कर दो, झूठे हो, आपने मुझे कहा था मेरे औलाद नहीं होगी। देखो, वली साहब बोले, ये हो नहीं सकता। परमात्मा से बात की, प्रभु बताओ मुझे झूठा क्यों करार किया। देखो, जो सच्चा होता है ना, वो चौक पे खड़ा होकर बात करता है, और जो झूठा होता है वो कसमें खाता रह जाता है। बाबे दी सौ, बाबे दी सौ, बाबे दी सौ, बाबा बेला बैठे। जो सच्चा होगा ना, वो कसम नहीं खाएगा, झूठा कसम खाता है। वली साहब बोले, बताओ मुझे झूठा क्यों करार किया। तब परमात्मा ने वली साहब को एक काम दिया। बोले, वली साहब, जितने लोगों का तुमने भला किया है, उन सबसे मिलाकर 1 किलो मांस लाके दे दो मुझे, गोश्त मांस लाके दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वली साहब चाकू लेकर निकल पड़े। बोला, जिन जिन का भला किया वो तो मेरा भला करेंगे ही, दे देंगे मांस, मगर साहब किसी ने नहीं दिया। लोग बोले, झूठा तो ताई पागल भी हो गया, मांस मांगता फिरता है। वली साहब वापस, जब किसी ने नहीं दिया, बोले, परमात्मा को कह दूंगा नहीं मिला। वापस जब जाने लगे, वही बालाजी का भगत मिल गया। बोले, वली साहब क्या बात, दुनिया को खुशी देने वाला आज खुद दुखी नजर आ रहा है, क्या बात हो गई? बोले, मेरे पास एक बांझन आई थी, उसको मैंने मना किया कि उसकी औलाद नहीं होगी, ना जाने उसको किसने आशीर्वाद दिया, उसके बेटा हो गया। वो वापस मेरे पास लेकर आई, मैंने परमात्मा से पूछा, परमात्मा ने कहा कि जिसका भला किया है उन सबसे मिलाकर 1 किलो गोश्त ला दे। बालाजी के भगत ने सिर्फ इतनी सी बात सुनी कि परमात्मा ने 1 किलो गोश्त मांगा है, खंजर निकाल के वली साहब के हाथ में दे दिया कि वली साहब इस नश्वर शरीर से 1 किलो मांस निकाल लो, और लेकिन अलग अलग अंग से थोड़ा थोड़ा निकालना, क्या पता परमात्मा को कौन से अंग का मांस पसंद आएगा। 1 किलो मांस लेकर वली साहब पहुंच गए। परमात्मा, बता अब बता कि तूने मेरे साथ बुरा क्यों किया, मुझे झूठा क्यों करार किया। तब वली साहब को परमात्मा ने जवाब दिया कि वली साहब, जो सिर्फ सुनने मात्र से अपना शरीर काट के दे सकता है, वो किसी को भरोसा देकर आ जाए तो मैं उसके भरोसे को कैसे तोड़ दूं। तू समरथ में कमजोर प्रभु, तेरे जोर पे मैं इतराता। एक एक भगत में शक्ति है, ये मत समझना कि मैं गा रहा हूं तो मुझी में शक्ति है। नो, जब कह दिया शास्त्र ने तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, तो उस शक्ति का विस्तार एक ही जगह कैसे हो सकता है? वो शक्ति तो सर्वव्यापी है साहब, इस पेड़ में भी है, हर 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 शख्स में, जर्रे जर्रे में प्रभु का वास, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी मेरे राम की। तू समरथ में कमजोर प्रभु, तेरे जोर पे मैं इतराता हूं। नंदू विश्वास बड़ा सांचा, झूठा नहीं, पक्का तोल कर ले ले, भारी पाएगा। तराजू होता है ना, जिस तरफ भार होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे, और जहां हल्का वो ऊपर। यहां ऊपर कौन है? बालाजी महाराज। नीचे कौन है? भगत। तो भारी कौन है? भगत। बालाजी हल्के हैं, और हम भगत ही अगर टेढ़े मेढ़े हो जाएं, उसकी क्या गलती है?
अपने भार को बनाकर रखो ना साहब, अपने भार को क्यों बदनाम करते हो साहब, जब वो हल्का होने के लिए तैयार है तो अपने भरोसे को भारी कर कर रखो साहब, क्यों हल्के होकर। मैं समरथ तेरे जोर से हूं, नहीं तो मैं कमजोर हूं। मैं समरथ बस तेरे जोर से हूं, बस इसीलिए इतराता हूं। हमारे पास गाड़ी है मगर गैराज नहीं, और पड़ोसी के पास गैरेज है गाड़ी नहीं। हमने बाहर जाना है, पड़ोसी को बोला भाई साहब क्या गाड़ी आपके घर खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल करिए जी। पूछ लेगा क्या पीछे से मैं भी चला सकता हूं? हम भी कह देंगे साहब गाड़ी आपकी, तेल डलाओ चलाओ। ऐसे ही जनाब हमारा सिर्फ गैरेज है, सामान सब उसका है, जिस दिन नौटंकी करोगे वापस ले लिया जाएगा साहब। तू समरथ में कमजोर प्रभु, तेरे जोर पे मैं इतराता हूं। मेरा विश्वास बड़ा साचा, आजकल विश्वास नहीं रहा साहब। पुराने जमाने में बोले मूंछ की बाल से भी ब्याज पे पैसे मिल जाते थे कि अगर नहीं दिए तो मूंछ मुड़वा दूंगा। उसके बाद ऐसे आदमी आ गए बोले ले पूरा रख ले, कितने देता है बता। ये हालात इस हालात को बदलो। मेरा विश्वास बड़ा साचा, सांचों पर आंच ना आनी। एक एक भगत की रक्षा बालाजी करेंगे, जरा दोनों हाथ खोलकर चलते चलते दोनों हाथ खोलकर कह देना जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम जी, जय जय सीताराम 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 सीताराम आइए चलते चलते महाराज के चरणों में सीधी खाओ जरा।